जैसे अभी बता रहे थे सुबह भुट्टा साहब कि एक एथेनॉल का प्लांट लगाया गया है पानीपत में सेकंड जनरेशन का, तो किसान को उससे पैसे भी मिलेंगे। पहले 1,000 रुपए मिल रहे थे एक एकड़ की पराली बेचने पर, अब 4-5 हजार रुपए शायद किले के बता रहे थे वो, 4-5 हजार रुपए मिलने लगे। तो फिर आदमी क्यों जलाएगा पराली? पराली जलाने का नुकसान हमें क्या होने वाला है? कि इस तरह की बातें भी मैं आपके साथ करूंगा। बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं देना मैंने यहाँ पे इस लेक्चर्स में ना, वो क्लास में बातें होती रहती है, ज्ञान नहीं, सामान्य सी बात करेंगे। तो जो आज का विषय है जिस पर हम बात करने जा रहे हैं, कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज, जो सुबह से कई बार बातें हो चुकी हैं, कौन कौन से अपने सोर्सेज कन्वेंशनल हैं और कौन कौन से अपने सोर्सेज रिन्यूएबल हैं। तो कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स की जब बात करते हैं, ये बात हो चुकी है आपके साथ में, बता दिया सर ने, कोयला है आज भी एज ऑन डेट, हम बात कर रहे हैं कितने सालों से कर रहे हैं, एक टाइम ऐसा था कि हमारी 100% एनर्जी की जो आवश्यकता थी वो कोयले से पूरी होती थी, घरों में कोयले पे खाना बनता था, अब नहीं बनता। बट उससे बहुत ज्यादा पोल्यूशन डाउन नहीं होता, पोल्यूशन होता है कोयले से, जैसे रेल का इंजन चल रहा है, अभी भी चल रहे रेल के इंजन कोयले पे, सारी लाइन का इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं हुआ है, तो वहां पर पोल्यूशन होना। जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं जिनमें आप ही लोग SDO बन के जाने वाले हैं थोड़े दिन बाद, आप ही उस प्लांट को चलाएंगे, वहां पर हम कोयले का इस्तेमाल कर रहे हैं। आज की डेट में अपने